अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कुछ प्रश्न जो है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। हमें सभी को पता है कि विश्व में 7 जो है महाद्वीप हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, छठा महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? यूरोप। अरे वाह, क्या जवाब दिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा। कहाँ से पढ़ कर आए हो रे? चलो बात करते हैं अपने। मैंने आप लोगों को बताया कि यूरोप जो है वहाँ पर जो स्टेपीज घास के मैदान है, कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाए पंपास किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो डाउन्स घास के मैदान है वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपसे एक प्रश्न बताया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, वहां से दो नदियां निकलती है, एक का नाम, दूसरी का नाम डार्लिंग, एक का नाम, दूसरी का नाम, ये आपको याद है। क्या मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि लंदन किस नदी के किनारे? पेरिस, रोम, कितना अच्छा बताते हो आप। बाकी बचाओ मैं बताऊंगा ना, जिनेवा रोन नदी के किनारे है, ठीक है ना। पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के किनारे है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी या बड़ी नदी, जो मुख्य नदी, वो कौन सी है? वोल्गा। कौन सी है? और दूसरी मुख्य है डेन्यूब। दूसरी मुख्य है। अब कई बार अपने एग्जाम में देखा, सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, माउंट कोसी, उसको कहां पर है? माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिनले उत्तरी, और आपसे पूछा जाए एकांक गुहा एकांक दक्षिण अमेरिका। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सही बताओ? सच में वह महाद्वीप जहां से 4 रेखाएं गुजरती है, कौन सा, कौन सा है? 4 रेखाएं जहां से गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप। अब एक प्रश्न पूछूं कि वो महाद्वीप जहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात, कौन सा? श्वेत महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, जनशून्य महाद्वीप। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के द्वारा वहां पर कोई शोध केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है, कितने स्थापित हुए? अब मैं ऑप्शन दूं आपको कि पहला भारती था, या दक्षिणी गंगोत्री था, या मैत्री था। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, तीसरा शोध केंद्र जो है वो कौन सा था? भारती, माँ भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, ऐसा एक बीच में हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, तब वो हमारे कोई काम नहीं आई, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं वो हमारे बहुत काम आएगा। दूसरा प्रश्न आपसे, आपसे पूछा जाए कि अंगूर से शराब बनाई जाती है किस शहर में? वस्त्र उद्योग के लिए इंग्लैंड का कौन सा शहर? अच्छा, भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, चीन का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, भिलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। चलो एक प्रश्न पूछता हूं मैं, हमारे पास में एक प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में, कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना है? किस नाम से? सागर माथा का कोई शाब्दिक अर्थ होता है? ब्रह्मांड की माता। चलो एक प्रश्न पूछा गया, हिब्रू क्या है? भाषा। हिब्रू क्या है? भाषा। चलो ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है वो किस नाम से बना है? मेरे नाम से बना है, मेरे कारण रह रहे हो आप लोग। सभी धर्मों की आद्य भूमि किस महाद्वीप को? काला महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक रूप से पिछड़ा, लैंड ऑफ कंगारू। चलो एक प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में जो सड़कें होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ। क्या कहते हैं? एक प्रश्न, जो हमारे गाँव में देखते हैं एक सफेदा का पेड़ होता है, उसको क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस। सफेदा, ये किस महाद्वीप में होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ज्यादा ज्ञान था, क्या बता रहे थे उसको? कुछ नहीं बता रहे थे, बाहर फेंक दिया, ये कट मारना है बीच में, ठीक है। मैंने कितनी बार कहा कि जब मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ तो सिर्फ मेरी सुनिया करो, बात करो, ठीक है। बात करते हैं अपने,
अपने एशिया महाद्वीप की, इसकी बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप में मैंने आपको पढ़ाया था पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। एक पामीर का पठार था, एक आपसे पूछा जाए कि इनमें से विश्व की छत किसे कहते हैं, उसको कहते हैं पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है। पक्का? एक प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेज़न, जिसे किंग ऑफ बेवर कहा जाता है। पर वो कहते हैं ना कि वो कौन सी नदी है जिसका अरे डेल्टा जो है चिड़िया के पंजे के समान है, मिसिसिपी। चलो एक प्रश्न पूछ लिया जाए, रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में। मैंने आपको दक्षिण अमेरिका याद करने के लिए कुछ बातें बताई थी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अमेज़न नदी, आटाकामा मरुस्थल, अकांक गुहा, एंजल जलप्रपात, एंडीज पर्वतमाला, ओरिनिको नदी, और एंडीज पर्वतमाला होगी अर्जेंटीना, यानी सारी कहां पर है? तो क्या ब्राजील शहर उत्तरी अमेरिका में है दक्षिण अमेरिका में? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, यहाँ का एक सबसे बड़ा नगर बताया था पहला रियो डी जेनेरिया में ओलंपिक हुए थे कब? पहला विश्व का पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? आराम से बताओ। 22 अप्रैल 1900। पक्का 22 अप्रैल 1992? एक प्रश्न पूछा गया कि पहले विश्व के धार्मिक सम्मेलन में गए कौन? गए थे उनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी महाराजा। खेतड़ी वर्तमान में किस जिले में है? वहां के राजा का नाम क्या था? खेतड़ी पूरे वर्ल्ड में क्यों प्रसिद्ध हुआ था तांबे के लिए? सच बताऊं, ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब आता है? ये प्रवासी भारतीय दिवस है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 25 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, डॉक्टर्स डे है, अच्छा जनसंख्या दिवस 11, 12 जुलाई को मलाला यूसुफ़ज़ई दिवस, कौन सा होता है? 12 जुलाई को ही एक ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, किसकी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 कब हुई? बाघ दिवस कब आता है? 29। एक प्रश्न पूछा गया कि टाइगर मैन के नाम से किसे जानते हैं? गला सांकला। पक्का? भारतीय बाघों का घर किस अभयारण्य को कहते हैं? रणथंभौर। किसे कहते हैं? आवाज नहीं आई। इसरो की स्थापना कब हुई? 1900। तारीख 15 अगस्त 1900। अब मैं एक प्रश्न पूछूं कि राजस्थान में पहला डाक टिकट किस पर जारी हुआ? विजय। कब हुआ था? 15 अगस्त 1900। वो भी 15 अगस्त है, इसरो भी 12 जुलाई को मलाला यूसुफ देई, 12 जुलाई को नाबार्ड की, दोनों तारीख के बराबर। जैसे मैंने आपको बताया कि महलों का शहर उदयपुर, जल महलों का शहर डी, पर भारत में महलों का शहर कलकत्ता, कलकत्ता हुगली नदी किनारे, भाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय, पहला कॉलेज कलकत्ता, पहला न्यायालय कलकत्ता, पहली राजधानी कलकत्ता, पहला बैंक कलकत्ता, और पैरकपुर छावनी कलकत्ता, मंगल पांडे को फांसी कलकत्ता, हावड़ा ब्रिज कलकत्ता। तो ये याद होना चाहिए कलकत्ता, क्या याद होना चाहिए? अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप ये बताएं कि जो भेड़ पालन होता है ऑस्ट्रेलिया में, वहां जो मजदूर होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुण याद करे मन, भेड़ पालन जो करते हैं वहां जो मजदूर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कहुआ मंडी जो होती है वो है साओ पोलो, पर कहुआ के बागानों को हजेंडा। आपसे पूछा जाए नॉर्मन ई बोरलॉग की जन्मभूमि मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी नहर? पनामा नहर। कब बनी थी? कब? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था?
1914 में आपसे पूछा जाए रोलेट एक्ट कब आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, सही बताओ, और कांग्रेस का 35वां अधिवेशन अमृतसर में 1900, ये सारी बातें कब की है। मॉन्टेग्यू चेम स्पोर्ट सुधार अधिनियम भी 1919 को भी अपन पढ़कर चले गए। बहुत अच्छा, कितने से तैयारी तुम्हारी, कौन से बेच के हो भाई लोग, विजय बेच के हो, अच्छा तुम नौकरी लगाओगे क्या, पक्का, हाथ ऊपर करना कौन कौन लगेगा, नौकरी लगने वाले हाथ ऊपर करे, अभी भी कोई है क्या, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर तो राजी होना हुआ कहीं हो जाओ, ठीक है। पर वो कल वो जो भाई कह रहा था कि डीजे की तैयारी करो, आज आया नहीं, डीजे तो बजाना ही है देखो, अब वो डिपेंड तुम्हारे पर ही है, ठीक है। चलो और प्रश्न पूछते हैं, अभी बातों में भाव मत, मुझे बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं। प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, किसको, हवांग हो का ही अन्य नाम, केली नदी, विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार उसके किनारे है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यांग टीसी क्यांग के किनारे किस देश की सभ्यता है, चीन की सभ्यता। अब पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली मंडारिन कहाँ की है, चीन की है, बात क्लियर है। अब मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, कौन सा है, ग्रीनलैंड किसके अधीन है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और ये डेनमार्क किसके अंतर्गत आता है, यूरोप, किसके अंदर आता है, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस महाद्वीप में हुई, किसमें हुई, विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत, इटली की गंगा क्या है, इटली की गंगा। अगर पूछा जाए डॉन नदी कहां पर है, फिल्मों में आता है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर दिया, अरे यूरोप में जाओ ना तो वहां पर है डॉन, तो कहां पर है डॉन, तो डॉन नदी कहां पर है, यूरोप में है। आपसे पूछा जाए कि विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, तो सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारी झील का नाम बताओ, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी, वो तो खारी भी है और सबसे गहरी भी है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सी, सबसे गहरी और जिसमें सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है लेक वॉन, वॉन जिसको बोलते हैं, वॉन झील तुर्की में है, कहां पर है, तुर्की में। एक मैंने प्रश्न लिखाया था आपको, मध्य रात्रि का देश, झीलों का देश, झीलों का देश, पक्का, जापान का प्राचीन नाम क्या नाम था, निप्पन, जापान का प्राचीन नाम निप्पन। एक प्रश्न आता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैतून उत्पादन के लिए विश्व में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, स्पेन, कौन सा, यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन किस नदी के किनारे। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, यूरोप की सबसे बड़ी झील लेक लड़ोगा कौन सी है, लेक, चलो एक प्रश्न पूछता हूं आप बता दोगे कि कंगारू किस महाद्वीप में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये किस सागर में है, कौन सा सागर, कोरल। आपसे पूछा जाए किस तट पर है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट। अब प्रश्न आए, पानी में बगीचा भी इसे कहते हैं, मूंगे की चट्टान भी इसे ही कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, कन्फर्म है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, विश्व इतिहास के पिता में किसे कहते हैं, कौन है, भारतीय इतिहास के, अच्छा गीता जयंती किस माह में आती है, इसमें मार्सिस में। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में एक मेला भरता है, मानगढ़ धाम का मेला, किस जिले में है, बांसवाड़ा में, किस महीने में, लेकिन बेणेश्वर धाम का मेला माघ, मानगढ़ धाम का मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर का मेला, चंद्रभागा मेला, सहवा गुरुद्वारा मेला, कपिल मुनि का मेला। अब आपसे पूछा जाए कि गोमती सागर पशु मेला,
और आपसे पूछा जाए बाण गंगा महोत्सव ये कब भरते हैं? वैसाख पूर्णिमा कब भरते हैं? तो पूर्णिमा पूर्णिमा वालों को एक साथ याद कर लो तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। जैसे गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र के वैसाख के महीने में आखाते हैं, वैसाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया, राणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया, झूला तीज श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया। पर आपसे पूछा जाए कि हर तालिका तीज कब आती है तो भाद्रपद शुक्ल